आज का डेट क्या? आज है, इतनी डेट है आज की, 21 मार्च। और आज का बॉडी वेट था 73 पॉइंट कुछ था। लगाने वाले माम्स और एक्सरसाइज वगैरह तो आपको मैं जिम पहुँच के बताऊँगा। वेट लॉस ख़त्म करने का एक रीज़न है क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक गोल लेके चला था कि जब तक जो मेरा कोर है वो विजिबल, जो एब्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे तो मैं अपना फैट लॉस ख़त्म कर दूँगा। सो एक ये रीज़न है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो चाहे लीन गेन करते हैं या फैट लॉस करते हैं, वो एक गोल लेके नहीं चलते, तो इस वजह से वो पहुँच भी नहीं पाते उस गोल तक, ऐसा मैंने देखा है। तो मैंने अपना टारगेट पहले सेट किया था कि अपने को एक विजिबल कोर चाहिए, ठीक ठाक दिखने वाला, वहाँ पे फैट लॉस रोक दूंगा। क्योंकि इसके काफ़ी नेगेटिव साइड भी फैट लॉस के। एक चीज़ बताता हूँ, सबसे नेगेटिव लगी कि जब तक तुम जिम के अंदर हो, पंप आता है, तुम तभी अच्छे लगते हो, और उसके बाद जब तुम घर आ जाते हो या घर रहते हो तो कपड़े जब तुम पहनते हो सारे कपड़े ढीले हो जाते हैं पहली बात, और एक फिज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल नहीं आ पाती, मतलब लगता भी नहीं है कि देख के कि भाई जिम में जाते हो। ऑनेस्टली बताऊँ, एक ये नेगेटिव साइड है। और दूसरी नेगेटिव साइड ये है कि तुमसे जो तुम वेट, जब तुम अपने मेंटेनेंस पे थे या बल्किंग पे थे, जो भी सीन था उस टाइम, जो तुम वेट उठाते थे वो भी वेट तुमसे लग नहीं पाता। वो छोड़ो, जो तुम वार्म अप लेते थे ना उसके भी हार्डली कोई 2-5 रैप, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे से आते थे बस। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखा कि चलो ठीक है, फैट लॉस रोकता है। अब हमेशा से मैं क्या मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास खाता था तो वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको पूरा जो मेरा रहता है जर्नी, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा रेगुलर रहूँगा इस चीज़ को लेके कि हाँ कि डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। चलो अभी सब्सक्राइबर हैं थोड़े बहुत, देख लेते हैं। एक रहता है कि चल कोई देख रहा है अपने को, तो थोड़ा सीरियस रहो इस चीज़ को लेके। सो अब मैं जो भी पूरा कराऊँगा वो पूरा नोट डाउन करता रहूँगा, जिससे क्या एक प्रोग्रेस मेरे को पता पड़ती रहेगी। और जब प्रोग्रेस आपको दिखती है तो आपको एक मोटिवेशन आता है कि हाँ ये चीज़ अपनी प्रोग्रेस हो रही किस चीज़ में। तो इसका ये भी बेनिफिट है कि अगर आप नहीं लिखते तो आपको पता नहीं रहेगा कितना क्या हमने लास्ट टाइम वेट उठाया था या जो भी सीन था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका है थोड़ा सीरियस इस चीज़ को लेके कि भाई चीज़ करनी है, जो भी फैट लॉस है या लीन गेन है, जो भी सीन है आपका, तो प्रोग्रेस नोट डाउन करते रहो, इससे आपका बेनिफिट है। जब भी आप अगली बार जो आपका सेशन लगाओगे, सपोज करो आज अपना आर्म्स है, ठीक है, अब मैं अगली बार लगाऊंगा तो मैं पहले देख लूँ कि मैंने कितने रैप लगाए थे, किस वेट से लगाए थे, तो मेरे पास रहेगा कि उस जितने भी रैप आए थे उससे एक रैप एक्स्ट्रा मांगना है। तो ये थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस रहती है, पहले रैप में प्रोग्रेस करेंगे फिर अचीव हो जाएगा, फिर वेट में प्रोग्रेस करेंगे, तो ये चलती रहती है। और इससे मज़ा भी आता है, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि हमने कितना प्रोग्रेस किया, तो आप देखो काफ़ी प्रोग्रेस करा है। और प्रोग्रेस वेट में हो रही है तो ऑब्वियसली बात है मसल भी आपकी डेवलप होगी, मसल भी बनेगी, तो ये बेनिफिट है। सो चलो अभी जिम के लिए निकलते हैं, उससे पहले क्रिएटिन और नमक पानी में घोल के पीते हैं, इससे क्या जिम में काफ़ी अच्छा पंप आएगा। चलो जिम जाने से पहले नमक और क्रिएटिन लेंगे। तो ये मैं मतलब कि पहली बार ट्राई कर रहा हूँ कि वर्कआउट से पहले मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले जब भी मैं क्रिएटिन लेता हूँ तो वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ, प्रोटीन शेक के साथ जब पहले लेता था, या फिर पानी में, या कोई कार्ब ड्रिंक रहती है उस साथ लेता था। लेकिन वर्कआउट से पहले पहली बार ट्राई कर रहा हूँ एक इसको, वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट में, एक पोस्ट वर्कआउट में। और एक चीज़ बताता हूँ कि गर्म पानी में ही क्यों क्रिएटिन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रिएटिन गर्म पानी में बहुत जल्दी मिक्स होता है, एक बेनिफिट। और मैं नहीं चाहता कि वो मिक्स ना हो और वर्कआउट के दौरान मेरे को ब्लोटिंग करे, इसलिए मैं इसको गर्म पानी में ले रहा हूँ। और हल्का सा नमक क्योंकि आर्म्स डे है और मैं नहीं चाहता कि पंप नहीं आए, पंप इनसे ना आएगा। काफ़ी दिनों बाद नमक ट्राई करा है मैंने, पहले मैं करता था लेकिन बीच में छोड़ दिया था। और अब क्रिएटिन के साथ नमक पहली बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। देखो गर्म पानी का बेनिफिट, क्रिएटिन कितना जल्दी से मिक्स हो चुका है, और देखो अगर यहीं अगर ठंडा पानी रहता तो मिक्स होने में बहुत टाइम लगा था, और मे भी ब्लोट कर सकता था आपको वर्कआउट के दौरान, तो वो मैं नहीं चाहता था। चलो इसको फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं जिम के लिए। अजीब से टेस्ट आ रहा है इसका यार। चलो सो जिम आ चुके हैं, और अब सबसे पहले मैं ट्राइसेप लगा रहा हूँ। और कुछ लोग होते हैं मतलब पहले बाइसेप लगा लिया फिर ट्राइसेप लगा लिया, मतलब पहले पूरे बाइसेप से 3-4 एक्सरसाइज लगा ली और फिर ट्राइसेप भी 3-4 एक्सरसाइज लगाई, मेरे को ये पसंद नहीं है। मैं करता हूँ कि एक एक्सरसाइज बाइसेप की, एक ट्राइसेप की, बाइसेप ट्राइसेप, सबसे पहले ट्राइसेप ले रहा हूँ। ये वार्म अप है, वार्म अप ले रहा हूँ इसका,
वार्म अप में क्या है कि नीचे थोड़ा सा होल्ड करो, जिससे क्या है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा ना तो मसल आपकी एकदम रेडी हो जाएगी। दो सेट लेंगे ट्राइसेप की ये वाले वार्म अप के लिए, 10-12-15 रैप लेंगे बस, जिससे कि क्या ब्लड फ्लो पूरा आ जाए और फिर अपन जो लगाना है वो अच्छे से होए। तो ये अभी ट्राइसेप की पहले एक्सरसाइज होने वाली है और शायद इसका नाम ओवर डम्बल है, पता नहीं, शायद यही है। तो पहले इसका वार्म अप लेंगे जिससे कि एक बार थोड़े फॉर्म सही हो जाए अपने डम्बल के साथ, फिर इसके वर्किंग मारेंगे। तीन ही वर्किंग लेंगे बस, गिनती है टोटल। पहले एक्सरसाइज के 4 सेट और इसमें एक वार्म अप और बाकी के 3 वर्किंग। चलो फॉर्म चेक कर लो एक बार क्या। तो ये अपना फर्स्ट सेट होने वाला है, इसके अंदर मैं 8.5 डम्बल ले रहा हूँ और इसके अंदर रैप अपन फेलियर निकालेंगे, ट्राई करेंगे कि 10 से ऊपर है वहाँ अपने। चलो दस बोले थे तो 10 निकालने पड़े आड़ी बेड़ी फॉर्म के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपनी बाइसेप्स की पहले एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल, और ये काफ़ी टाइम से मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हो रखी है बाइसेप्स की। पहले मैं केबल लगाता था, एक उस टाइम से ही लगा रहा हूँ। इसके 3 सेट आएंगे और फेलियर आ पाएंगे, ठीक है। चलो ये रहे कुकर कोरियन। खाना बंद हो जाए सिंग्राम लगाओ। तो जितनी मैं एक्सरसाइज लिखा है उनमें जितना वेट लिया और जितने रैप पाए वो सब नोट डाउन करते हैं। अरे पहली कौन सी थी? 100 मिनट ट्राइसेप के अभी सेकंड एक्सरसाइज है, इसके वही 3 सेट रहेंगे, फेलियर रैप रहेंगे सारे। एक चीज़ बताऊंगी, कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राइसेप लगा दे टाइम फील नहीं आता, तो इसका सीन ये रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है ना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है इसका, आपका होल्ड करोगे कॉन्ट्रैक्शन पार्ट पे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, मसल बैंड एक तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा और वैसे तो मसल तो ग्रोथ होगी आपकी। ये कॉन्ट्रैक्शन पार्ट पे होल्ड किया, इसे फील आया मसल में और नेगेटिव स्लो। यही मैं चीज़ आपको बोल रहा था कि जब वर्कआउट लगाते हैं तभी कितना चमक पाता है। ये देखो वर्कआउट लगाते हैं, जिम में रहते हैं, जब पंप आता है तभी अच्छे लगते हैं। बाकी घर पे अपने स्टार्टिंग में जो वीडियो शूट करी थी मैंने, तो आप देखी होगी उसमें कैसे बकरी से खपच्ची से आ रहे थे। यही भी मेरा रीज़न है कि मैं फैट लॉस को ख़त्म कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा बल्क करेंगे, लीन बल्क करेंगे अब। पंप देखो अच्छा है काफ़ी, और अभी तो काफ़ी एक्सरसाइज बाकी है। तो ठीक है, बालों को अपनी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप्स की पीचर कर्ल, और इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका हाफ रेंज ऑफ मोशन लेते हैं, जैसे यहीं से लेते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपको इफ़ेक्टिव चाहिए ना कि आपकी बाइसेप अच्छी ट्रेन हो पूरा ऐसे, क्योंकि इस पर काफ़ी रिसर्चेज भी हुई इस एक्सरसाइज में, रिसर्चेज में ये शो हुआ है कि जब आपका रेंज ऑफ मोशन फुल रहेगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिली है। तो चलो लगाते हैं एक बार, फॉर्म दिखाते हैं आपको क्या सीन है इसका। ये इसके एग्जिट फॉर्म रहेगी, ठीक है।
एक चीज बताता हूँ, ये सेट होने के बाद एक हल्का वेट लेना, 7.5 ठीक रहेगा शायद। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसके हाफ रेंज यहाँ तक मारना है, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, अपनी और तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। ओवरहेड कोई ट्राइसेप की एक्सरसाइज नाम तो नहीं पता वैसे। तो इसके अंदर सेम 3 सेट आएंगे, फेलियर आ पाएंगे पूरे। और हाँ, जो अपने पूरी भी एक्सरसाइज है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने को सबसे ज़्यादा फोकस करना है नेगेटिव पार्ट पे, वेट उठाने फोकस नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अब अभी जैसे अपन ने स्टार्ट करी ये चीज़, और पहले अपन फैट लॉस पे थे और उस टाइम अपना वेट काफ़ी गिर चुका था जो उठाते थे अपन, तो अब के बार ध्यान ये रखना है कि वेट इंक्रीज करेंगे हल्के हल्के, जैसे मेंटेनेंस के पास चलेंगे अपन तो वेट इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी अपने को नेगेटिव पार्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि मसल ग्रोथ भी हो, मसल ग्रोथ होगी वेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो अपने आज का लास्ट वर्कआउट है, ये बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है और हैमर है केबल के ऊपर। और फॉर्म चेक कर लो इसे, क्या सीन है। हाथ हल्के से आगे रखना है, चेस्ट अप और ऊपर लाके ट्विस्ट करना है इसे, ठीक है। चलो एक चीज़ है, जब भी खड़े हो तो एक स्टेप लगा देना नीचे, जैसे कि अपनी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी और मशीन थोड़ी नीचे हो तो एक अपने को पूरा स्ट्रेच मिल पाएगा। और जब आपके फुल रेंज ऑफ मोशन की जो रैप्स हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आपको ट्राई करना है कि पार्शल निकालना है वो फेलियर, मतलब 3-4-5 पार्शल और आ जाए उसके बाद। तो ठीक है भाई, अपना आर्म्स का वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है। अब अपन लगाएंगे कोर की एक्सरसाइज। कोर में गिनती के मैं इसके 2 सेट लगाऊंगा, दोनों सेट फेलियर रहेंगे। जो ये कोर की एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालेंगे। ऐसा नहीं है कोर की एक्सरसाइज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं डालेंगे। इसमें अपने को ट्राई करना है कि हर हफ्ते या तो वेट या फिर रैप इंक्रीज होने चाहिए। चलो एक बार दिखाता हूँ एक्सरसाइज है कौन सी। हो गया। Humans, what have you learned?